16 दिसंबर 2012 को दिल्ली में हुए निर्भया गैंगरेप के मामले में दोषी करार दिए गए नाबालिग को सुधार गृह से रिहा कर दिया गया है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक शनिवार की रात को उसे रिहा किया गया है और एक एनजीओ के हवाले किया गया है। अब वो 2 साल तक एनजीओ के संरक्षण में रहेगा। 16 दिसंबर 2012 के दोषी करार दिए गए एकमात्र नाबालिग की आज यानी कि 20 दिसंबर को सुधार गृह से सजा पूरी हो रही थी। सुधार गृह में वो 3 साल रहा। इसी बीच दिल्ली हाई कोर्ट ने उसकी रिहाई पर रोक लगाने से बिल्कुल इनकार कर दिया था। इसके बाद जो दिल्ली महिला आयोग है उसने रात में शनिवार रात को एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया और कहा इस मामले को सोमवार को सुनवाई करेंगे। लेकिन इसी बीच उसकी रिहाई पर किसी भी तरह का कोई रोक नहीं थी। हालांकि उसके माँ बाप की जो निर्भया के माता पिता हैं उनकी मांग थी कि उसकी रिहाई ना की जाए, लेकिन फिर भी दिल्ली हाईकोर्ट ने उसकी रिहाई का आदेश दिया था। दिल्ली हाई कोर्ट ने रिहाई से इनकार करते हुए अपने आदेश में साफ कहा था कि ऐसा कोई कानून नहीं है जो अब इस नाबालिग को सुधार गृह में रोक सके। हालांकि फिर भी सोमवार को इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। निर्भया का नाबालिग रेपिस्ट आखिरकार बाहर आ ही जाएगा, उसकी रिहाई की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। वहीं दूसरी तरफ निर्भया के माता पिता के साथ लोगों को इंडिया गेट पर प्रदर्शन करने की इजाजत नहीं मिली। निर्भया की मां ने इस रेपिस्ट की रिहाई रुकवाने के लिए इंडिया गेट पर प्रदर्शन से एक आंदोलन करने की अपील की थी। इसके बाद जंतर मंतर पर भी प्रदर्शन करने की बात कही, लेकिन पुलिस ने इसकी मंजूरी नहीं दी। इससे पहले रात ही निर्भया के मां बाप सड़कों पर उतर आए थे। पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया था। हालांकि पुलिस इस बात से इनकार कर रही है। इस रिहाई का विरोध कर रहे पीड़िता की मां ने कहा कि नाबालिग दोषी की रिहाई के खिलाफ दिल्ली महिला आयोग द्वारा देर रात सुप्रीम कोर्ट में जाना महज एक दिखावा है और केंद्र एवं दिल्ली की सरकार पूरी तरह से फेल रही है। एक आतंकी के लिए रात में सुनवाई हो सकती है लेकिन निर्भया के लिए नहीं। उन्होंने कहा कि हमारी बेटी देश की बेटी है और उसे इंसाफ मिलना चाहिए। निर्भया की मां ने कहा कि DWC ने कोशिश की लेकिन समय खत्म होने के बाद, अगर स्वाति मालीवाल समय रहते कुछ करती तो आज बात कुछ और होती। DDCA में हुए स्कैम को लेकर आज BJP सांसद कीर्ति आजाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने साफ कहा कि ये खुलासे किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर नहीं है बल्कि भ्रष्टाचार के विरोध में है। आपको बता दें कि इससे पहले खुद कीर्ति आजाद और आम आदमी पार्टी ने अरुण जेटली पर निशाना साधा था। कीर्ति आजाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होते ही कहा वो PM नरेंद्र मोदी के बहुत बड़े फैन हैं और करप्शन खत्म करना चाहते हैं। वो मोदी की भ्रष्टाचार विरोधी मुहिम का भी सपोर्ट करते हैं। कीर्ति ने विकिलीक्स फॉर इंडिया द्वारा बनाए गए एक वीडियो को प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाया। वीडियो में DDCA को लेकर कई स्कैम की बात की गई। वीडियो में दावा किया गया कि कई कंपनियों के नाम पर DDCA में करोड़ों रुपए अंदर किए गए। जांच में कंपनियों के फर्जी पते भी पाए गए। लैपटॉप प्रिंटर की खरीद फरोख्त में फर्जीवाड़े सामने आए। 16,900 रुपए एक लैपटॉप का किराया दिया गया। कीर्ति आजाद का कहना है कि DDCA में पिछले 10 साल के दौरान 400 करोड़ रुपए से ज्यादा की हेराफेरी हुई है। रीजनल डायरेक्टर AK चतुर्वेदी और दिल्ली के कंपनी रजिस्ट्रार दीप बंदोपाध्याय ने इसकी जांच के नाम पर सिर्फ लीपापोती की है। अब कीर्ति आजाद और आम आदमी पार्टी द्वारा लगाए गए आरोपों के बाद अरुण जेटली के लिए अच्छी खबर ये है कि भारतीय सलामी बल्लेबाज गौतम गंभीर और पूर्व सलामी बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग का उन्हें सपोर्ट मिला है। दोनों ने साफ तौर पर ये कहा कि जब तक अरुण जेटली DDCA की अध्यक्षता कर रहे थे वो DDCA के सबसे सुनहरे दिन थे। रविवार को मुरादाबाद में हाफ मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। हिंदुस्तान अखबार और समाचार प्लस द्वारा मुरादाबाद के कई संगठनों के साथ मिलकर आयोजित किए गए इस हाफ मैराथन दौड़ में मुरादाबाद के हजारों युवक युवतियों ने भाग लिया। रविवार की सुबह एक खास सुबह बनकर आई मुरादाबाद के लोगों के लिए। आसमान में सूरज अभी निकलने की तैयारी कर ही रहा था कि समाचार प्लस की टी शर्ट पहने हजारों युवा मुरादाबाद के सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम सोनकपुर के बाहर जमा हो चुके थे हाफ मैराथन में दौड़ने के लिए। दौड़ने वालों का हौसला बढ़ाने के लिए मशहूर क्रिकेटर पीयूष चावला, पूर्व अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर चेतन शर्मा, सांसद कुंवर सर्वेश सिंह, मंडल आयुक्त सुभाष चंद्र शर्मा, दर्जा प्राप्त मंत्री इकराम कुरैशी समेत जिला प्रशासन के तमाम आला अधिकारी और मुरादाबाद के कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। ज्यादातर धावक दौड़ में जीत हासिल करने के लिए आए थे, लेकिन प्रकाश सिंह सोढ़ी और रुचि चतुर्वेदी जैसे कुछ ऐसे भी धावक थे जो विकलांग होने के बावजूद भी दौड़ने के लिए आए थे। महज यह बताने के लिए कि जीतना ही सब कुछ नहीं होता, लड़ने का भी अपना एक अलग ही मजा है।
पुरुषों के 17 किलोमीटर की रेस में बाजी विनीत पाल के हाथ रही, जबकि महिलाओं के 14 किलोमीटर की रेस में मोनिका चौधरी प्रथम स्थान पर आई। विजेताओं को ट्रॉफी और मेडल के अलावा LED टीवी, वॉशिंग मशीन और होम थिएटर भी इनाम के रूप में दिया गया। सीए में कथित घोटाले में गिरे केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली का क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग और गौतम गंभीर ने बचाव किया है। सहवाग ने ट्वीट कर कहा है कि अरुण जेटली काफी अच्छे प्रशासक हैं। जब वे DTCA में थे तो खिलाड़ियों के साथ उनके संबंध दूसरे प्रशासकों से बेहतर थे। पूर्व क्रिकेटर ने कहा कि DTCA में अधिकारियों से बातचीत करना खिलाड़ियों के लिए काफी मुश्किल था, लेकिन अरुण जेटली ने इसको आसान बनाया। अरुण जेटली से खिलाड़ी आसानी से अपनी बात कह सकते थे। वे मुश्किल के क्षणों में खिलाड़ियों के साथ रहते थे। जेटली ने हमेशा योग्य खिलाड़ियों का चयन किया। खिलाड़ियों के चयन में DTCA में कोई धांधली नहीं है। टीम इंडिया के पूर्व स्टार बल्लेबाज ने कहा कि DTCA में मेरे दौर में जेटली जी को अगर किसी खिलाड़ी से आश्चर्य ढंग से सिलेक्शन को लेकर शिकायत मिलती थी तो उसे न्याय मिल जाता था। दरअसल वीरू ने यह टिप्पणी जेटली की ईमानदारी के संदर्भ में की। सहवाग के बाद अब अरुण जेटली के समर्थन में गौतम गंभीर भी आए हैं। गंभीर ने कहा जेटली पर लगाए जा रहे सारे आरोप गलत हैं। गौरतलब है कि आम आदमी पार्टी BJP सांसद और पूर्व क्रिकेटर कीर्ति आजाद समेत कई खिलाड़ियों ने जेटली पर DTCA में करप्शन के आरोप लगाए थे। व्यापक घोटाले के मुख्य आरोपी और MP के पूर्व शिक्षा मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा रिहा हो गए। रिहाई के बाद जेल के बाहर जश्न का माहौल था। लक्ष्मीकांत शर्मा के समर्थकों ने उनका फूल मालाएं पहनाकर स्वागत किया। रिहाई के दौरान भोपाल केंद्रीय जेल के बाहर लक्ष्मीकांत शर्मा के सैकड़ों समर्थकों की भीड़ थी। लक्ष्मीकांत शर्मा के समर्थकों की जोरदार नारेबाजी देखी गई। लक्ष्मीकांत शर्मा को शनिवार को रिहा होना था, लेकिन कागजी कार्रवाई पूरी नहीं होने की वजह से रविवार को सुबह उन्हें रिहाई मिल पाई। आपको बता दें कि व्यापम घोटाले में अब तक 40 से ज्यादा लोगों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो चुकी है और लक्ष्मीकांत शर्मा जेल जाने वालों में सबसे अहम आरोपी थे। पूर्व मंत्री पर व्यापम से जुड़े 7 मामलों में केस दर्ज है। अब तक उन्हें दूसरे 6 मामलों में जमानत मिल चुकी थी। गुरुवार को हाईकोर्ट ने उन्हें 7वें केस में भी जमानत दे दी थी। लक्ष्मीकांत शर्मा के साथ इस केस से जुड़े दूसरे आरोपियों को भी रिहाई मिली है, जिनमें पूर्व अधिकारी राम नरेश यादव और धनराज यादव के नाम शामिल हैं। व्यापम घोटाले में पूर्व मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा को 7 मामलों में आरोपी बनाया गया था और उन्हें STF ने 16 जून 2014 को गिरफ्तार किया था। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल सेमिनार कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने शिरकत की, जहां उन्होंने कहा कि खेल फिलहाल उत्तर प्रदेश की प्राथमिकता नहीं बल्कि रोजगार है। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल सेमिनार के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने शिरकत की, जहां उन्होंने बताया कि खेल फिलहाल उत्तर प्रदेश की प्राथमिकता नहीं बल्कि रोजगार है और युवाओं के लिए रोजगार मुहैया कराना सबसे पहले है। साथ ही उन्होंने बताया कि खेल को जिस तरह की प्राथमिकता दी जानी चाहिए उस तरह की प्राथमिकता इसलिए भी नहीं मिल पाई क्योंकि उत्तर प्रदेश के युवा, जो सबसे बड़ा प्रदेश है, अक्सर खेल को रोजगार से जोड़ते हुए उसके प्रति भावुक होते हैं और यही बड़ा वजह है। खेल के लिए लगातार प्रोत्साहन किए जाने के बावजूद खेल को उस तरह की महत्वता नहीं मिल पाई। साथ ही इस मौके पर साइकिल स्टंट कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया, जहां मुख्यमंत्री ने साइकिल स्टंट का जमकर लुत्फ उठाया। अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल सेमिनार कार्यक्रम में साइकिल स्टंट का भी आयोजन किया गया, जिसका मुख्यमंत्री ने जमकर लुत्फ उठाया। समाजवादी पार्टी अपने अगले मिशन यानी विधानसभा 2017 के चुनाव को फतह करने की मुहिम में जुटी हुई है। आज इसी सिलसिले में समाजवादी प्रचार वाहन को पार्टी मुख्यालय से रवाना किया गया। समाजवादी पार्टी इन दिनों लगातार अपने अगले मिशन यानी विधानसभा चुनाव 2017 की चुनौतियों से निपटने के लिए लगातार खुद को मजबूत करने और सरकार की नीति रीति को लेकर जनता के बीच जाने की विशेष मुहिम को तेजी देने में जुटी हुई है। आज इसी सिलसिले में पार्टी मुख्यालय में समाजवादी प्रचार वाहन को कैबिनेट मंत्री राजेंद्र चौधरी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना की। ये प्रचार वाहन वीडियो कैमरे से भी लैस होंगे, जिसके जरिए जनता की समस्या भी रिकॉर्ड की जाएगी और समस्या को सीधे प्रचार वाहन पार्टी मुख्यालय तक पहुंचाएगा। प्रचार के पहले चरण में आज वाहन गोरखपुर, फैजाबाद और आगरा जिलों के लिए रवाना किए गए हैं और समाजवादी पार्टी जल्दी ही ऐसे प्रचार वाहन दूसरे जिलों में भी उतारेगी। उत्तर प्रदेश में राजधानी लखनऊ और आसपास के इलाकों में शनिवार सुबह से ही तेज हवाएं चल रही हैं, जिसकी वजह से ठंड काफी बढ़ गई है।
मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान तापमान में कमी आने के आसार जताए हैं। उत्तर प्रदेश मौसम विभाग के निदेशक जेपी गुप्ता के अनुसार पहाड़ी इलाकों में हो रही बर्फबारी की वजह से मैदानी इलाकों के मौसम में बदलाव आया है। बर्फबारी की वजह से तेज ठंडी हवाएं चल रही हैं, जिसकी वजह से ठंड में इजाफा हुआ है। उत्तर प्रदेश मौसम विभाग के मुताबिक शनिवार को राजधानी लखनऊ का न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि अधिकतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किए जाने का अनुमान है। लखनऊ के अतिरिक्त शनिवार को वाराणसी का न्यूनतम तापमान 9 डिग्री, कानपुर का 9.2 डिग्री, गोरखपुर का 10 डिग्री, इलाहाबाद का 11 डिग्री और झांसी का 10.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। पिछले 24 घंटों के दौरान राजधानी लखनऊ का अधिकतम तापमान सामान्य से 3 डिग्री कम यानी 21.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान 5.5 डिग्री सेल्सियस रहा।